में किसी भी स्वर में पलटा खुद से कैसे डिजाइन करना है वो भी बता रहा हूं मैं। और पलटे बनते कैसे हैं, लोग बड़े डर जाते हैं, बच्चे डरते हैं, हे भगवान पलटा पलटा क्या, कुछ नहीं है। तड़का मारना सिखा दिया आपको तो खाना बनाना क्या टफ रह गया फिर। जिसको तड़का आ गया, जिसको तड़का ही नहीं आया खाना कभी नहीं आ सकता। आई एम सॉरी, क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? जिसको तड़का मारना कभी नहीं सिखाया गया है क्या वो खाना बना सकता है? अच्छा बोलना आपने, बना सकता है? कौन बना सकता है? जिसको तड़का मारने की टेक्निक आ गई खाना उसके लिए कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको संगीत रूपी तड़का मारना सिखा रहा हूं। कोई सी भी सॉन्ग रूपी डिश, कोई सा भी आ गया, आप म्यूजिक में कुछ भी करो आप उसको आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक्स है, तड़का है। अब देखिए इसका पीछे का फॉर्मूला क्या है। हमने लिख दिए सात स्वर, सात स्वर यहाँ खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये आठवां भी आ जाता है। इसलिए आता है क्योंकि संगीत में ये नियम है कि सा से शुरू करते हैं तो एंड भी सा पे ही आके होता है। तो पजल नहीं होना आपने, गिनती के सात स्वर यहाँ खत्म हो जाते हैं, ये उसको पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, क्लियर? जैसे एक घर में, अब इस कमरे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्यों ऐसा होता है कि यहां भी सा आता है वहां भी सा आता है? इसलिए आता है क्योंकि एक कमरा तब पूरा होता है जब यहां भी दीवार हो और वहां भी दीवार हो। अब आप सोचो कि कमरा बना दिया जाए, दीवार लगा दी गई, ये लगा दी गई, एक खुली छोड़ दी। मान लो रात को किसी को चलने की आदत हो तो भाई साहब राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि दीवार ही नहीं थी वहां पे। तो घर में चार दीवारी का होना बहुत जरूरी है। कभी आपने सुना घर में तीन दीवारी का होना जरूरी है? चार दीवारी सुना होगा आपने। तो इसी तरह से संगीत रूपी कमरे में दौड़ने भागने के लिए, कमरे के अंदर जब आप आ जाते हो तो आप जैसे मर्जी ट्रेवल करो, तो आपको दीवार का होना जरूरी है। ये पहली दीवार है और ये आगे की दीवार है। इन दो दीवारों के बीच में हमारे स्वर रूपी खेल किया जा रहा है, एक प्ले ग्राउंड है। ये सा से शुरू हो रहा है, यहाँ दीवार है और वहां भी दीवार है, दो दीवारों के बीच में खेल खेला जा रहा है। जैसे सोच लो खुला लेंटर है, छत है, वहां रेलिंग लगी हुई है। रेलिंग ना लगे तो छोटे बच्चे तो गए, अब हम निश्चिंत होकर बैठे हैं आराम से। क्यों? हमें पता है कि लेंटर पे रेलिंग लगी है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं आराम से। तो ये पहली रेलिंग है और ये परे वाली रेलिंग है। इन दो रेलिंग्स के बीच में जो है सारा का सारा खेल हमारा हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम समझ रहे हैं कि पलटा क्या होता है। तो आपको पता है कि आपके सप्तक में सबसे पहला नंबर किस स्वर का आता है? नंबर एक पे क्या आता है? नंबर एक पे आता है हमारा सा, तो नंबर एक दे दो। नंबर दो पे क्या आता है? रे। नंबर तीन पे क्या आता है? ग। नंबर चार पे म। नंबर पांच पे प। नंबर छह पे ध। और नंबर सात पे। इस प्रकार से आपके सात स्वर पूरे हो जाते हैं, लेकिन हम समझने के लिए इसको आठ भी मान लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे सप्तक का ही हिस्सा है। बिना इसके सप्तक नहीं बनता, बिना दीवार के कमरा नहीं बनता। इन द सेम वे बिना सा के हमारा सप्तक रूपी दीवार कंप्लीट नहीं होती। ओके, यहां तक समझ में आ गया थोड़ा सा? अब देखो मेथड क्या है, पलटा कैसे बनता है। सपोज हमने तीन स्वर का पलटा लेना है, सा से ग तक का पलटा बनाना है हमने। आज के बाद आप खुद भी बना लोगे। कैसे बनाओगे? गिनती याद रखनी। सबसे पहला डिजाइन हमने क्या लेना है? एक दो तीन। आज के बाद ये फॉर्मूला सभी पलटों पे लागू होगा। जैसा मर्जी पलटा बनाओ आप अपनी इच्छा से, मैं आपको वही बता रहा हूँ बेसिक्स। नंबर एक दो तीन। अब आपने पजल नहीं होना कि एक दो तीन क्या हुआ। एक दो तीन क्या हुआ? सीधी सी बात है, सारे ग हुआ। अब दो क्या हुआ? देख लो दो क्या हुआ। ठीक है, अब डिजाइन, पहला डिजाइन क्या बनेगा? सारे ग। क्या बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि इसके डिजाइन का फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, एक दो तीन। दूसरा क्या बनेगा? दो तीन एक। अब हमने एक से स्टार्ट किया था, फिर बीच वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद तीन तो आ ही रहा था, अब इसके बाद क्या बच गया? एक, उसको लास्ट में ले लेंगे हम। अब क्या बन गया? 231। तो क्या बन गया? ये 231। देखो क्या हुआ, दो तीन एक। तो रे ग सा, बोलो कितना मुश्किल है? रे ग, बात समझ में आ रही है? फिर हम अगला पलटा देखेंगे, अगला मेथड देखेंगे, क्या आएगा? वो आएगा हमारा तीन से शुरू करेंगे हम, क्योंकि अब एक से हो गया, फिर दो से शुरू किया, अब तीन से शुरू करेंगे। तीन एक दो, तीन एक दो, ये फॉर्मूला है पलटे का। तो क्या बन गया? तीन एक दो, तीन हो गया ग, एक हो गया सा और दो हो गया रे। तो ग सा रे, अगला फॉर्मूला पे क्या बन गया? ग सा रे। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं पड़ रहा? फिर हम अगला पलटा लेंगे डिजाइन का। अब देखो क्या हुआ, तीन तो पूरे हो गए, अब हम बीच से लेंगे। अब हमने लिया सा रे ग, रे ग सा, ग सा रे, अब हम बीच से ले लेंगे, फिर ले लिया रे सा ग, रे सा ग। तो नंबर बन गया 213, 213। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर दी मैंने, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उसके बाद आपका हमने ले लिया 132, तो 132 सा ग रे वो हमने लिख दिया। एंड में हम सीधा ही वापिस आ गए, ग रे सा, 321, 321 ग रे सा। क्लियर है?
इसी तरह से आप आगे के बनाते जाओ, फिर दो से ले लो 234, 234, 342, 423, 324, 243 और 432, ये फॉर्मूला आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड पलटा। और इस तरह का जो पलटा बनता है पर्टिकुलरली, जिसमें इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसको बोला जाता है मेरुखंड का पलटा। कैसा पलटा? मेरुखंड। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरुखंड। ये अगले लेसन में हम समझेंगे और अच्छे से। इसको बोला जाएगा मेरुखंड का पलटा। कैसा पलटा है? मेरुखंड का, क्योंकि इसमें कई सारे डिजाइन बन गए। सारे ग, रे ग सा, ग सा रे, रे सा ग, सा ग रे, ग रे सा। ये तो सिर्फ तीन का ही बना, आप आने वाले समय में चार का भी बना सकते हो। सा रे ग म, तो बन जाएगा सा रे ग म, रे ग म सा, ग म सा रे, म सा रे ग, म ग रे सा। समझ गए ना? फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, इसको गेम की तरह लेना है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपकी क्लास में होता क्या है कि किसी भी क्लास में यदि किसी एक स्टूडेंट को भी समझ में आ गया हो अच्छे से, तो वो अपने दोस्तों को भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? ऐसा होता है। बाकी बैठ के आप करना, आपको आएगा। ये चीज़ अभी सुन ली आपने, कर ली, लेकिन जब हारमोनियम पे बजाओगे तो और इजीली समझ में आएगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। इसको बोलते हैं पलटा। स्वरों को आगे पीछे पलटने की क्रिया का नाम है पलटा। अब इसका फायदा, जैसे मैंने बताया था, किसी भी हम चपाती को रखते हैं ना तवे पे, तो बार बार उसको पलटते हैं। क्यों? ताकि वो कच्ची ना रहे, पक जाए और खाने में स्वाद हो। ऐसे ही हमारे संगीत में जो राग हैं, जो स्वर हैं, स्वर रूपी फुलका, स्वर रूपी जो हमारी चपाती है, वो अच्छे से पक जाए, यानी कच्चे ना रहे हमारे स्वर, पक्के पक जाए, पक्के हो जाए और उनमें स्वाद हो, मतलब उसमें एक असर दिखाई दे, एक रूदारी आए। संगीत में स्वाद का मतलब है रूदारी, तो वो रूदारी दिखाई दे उसके लिए पलटे बहुत ज़रूरी हैं। स्वरों को आगे पीछे पलटने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का लेसन पलटा। थैंक यू सो मच।